चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन इससे प्रोबेबिलिटी से नहीं बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके रेलवे में। इससे आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो चार से अधिक संख्या आने की संभावना क्या होगी। जब हम एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो एक पासा में छः संख्या आ सकता है। तो अगर एक पासा फेंकते हैं तो 6 के पावर 8 यानी कि 6 के पावर 1 टोटल संभावनाएं क्या हो सकती हैं, 6 के पावर 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, संभावना बट्टा टोटल संभावना या शर्त बट्टा कुल संभावना, यही शर्त बट्टा कुल संभावना यही हमने पढ़ा है। तो देखिए कह रहा है कि चार से अधिक कह रहा है, चार से अधिक कितने संख्या है तो 2 संख्या है यानी कि 5 और 6 ही आ सकता है। तो 2 आ सकता है किसमें से, तो 6 में, तो 2 3 6 यानी कि 1/3 आने की संभावना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक एक पे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी यानी कि संभावना क्या होगी, सिर्फ एक पे हेड आना चाहिए। देखिए हमने आप पढ़ा था कि जब क्वाइन की बात की जाए, सिक्का की बात की जाए, जब सिक्का की बात की जाए तो सिक्का में 2 पहलू होते हैं। एक होड, अगर ये सिक्का है तो ऊपर हेड होगा तो नीचे टेल होगा, यही 2 संभावनाएं बनती है हेड और टेल आने की। तो हमने पढ़ा था जब सिक्का एक उछाला जाए यानी कोई भी संख्या कितना भी उछाला जाए 2 के पावर n हो, अगर जब एक सिक्का उछाला जाए तो 2 के पावर 1 बनेगा, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, जब 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 का क्यूब बनेगा, ये 4। तो ये 2 के पावर n इसकी कुल संभावना क्या होती है, 2 के पावर n यानी अगर 1 सिक्का उछाला जाए तो 2 के पावर 1 होगा, 2 सिक्का उछाला जाए तो 2 के पावर 2 होगा, 3 सिक्का उछाला जाए तो 2 के पावर 3 यानी ये टोटल संभावनाएं हैं। अब हमसे कह रहा है 2 सिक्का उछाले जाते हैं ठीक एक पे, जब आप 2 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए, या हो सकता है एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल और टेल आ जाए। 2 सिक्का उछालने पे यही प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं, यही संभावनाएं हो सकती है, या हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, यानी कह रहा है ठीक एक पे हेड प्राप्त होने के, तो एक पे हेड प्राप्त इस पे हो रहा है और एक इस पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2/ टोटल प्रायिकता क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 2 दूनी 4 यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संभावना क्या होगी, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संभावना क्या होगी, हमसे यही पूछा जाए। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 यही तो अभाज्य संख्या है। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, हम जानते हैं कि जब पासा एक फेंका जाता है तो आने की संभावना क्या होती है 6 के पावर 1 यानी टोटल क्या होती है, तो टोटल संभावना है 6 होती है, और 6 में से 2 3 5 ये तीनों में से कोई एक भी आ जाए तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो 3/6 यानी कि क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पे हेड आने की संभावना क्या होगी, ठीक है, हम जानते हैं कि जब 2 सिक्का उछाला जाएगा तो कितनी संभावना होगी 2 का स्क्वायर यानी कि कुल संभावनाएं कितनी होगी 4 होगी, यानी कि टोटल कितनी होगी 4 होगी। अब देखिए 2 एक पे हेड आना चाहिए,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का पहले तो नीचे चार हो जाएगा, टोटल संभावना है चार हो जाएगा। अब दो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड टेल दूसरे पे भी टेल आ सकता है। तो एक पे हेड आने की प्रायिकता क्या है, देखिए एक दो तीन, यानी एक पे हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक बैग में 5 सफेद गेंद, 7 लाल गेंदे, 4 काली गेंदे और 2 नीली गेंदे होती हैं, एक गेंद बैग से यादृच्छिक निकाली जाती है, तो क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद सफेद या नीली है, यानी जो गेंद निकाली जाएगी वो सफेद या नीली होने की संभावना क्या होगी। देखिए ये जुड़ गया सफेद या नीली, तो जब वो दोनों को चीज को हम निकालेंगे तो वो चीज को हम जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हाइट बॉल कितनी है, तो 5 व्हाइट बॉल है यानी कि सफेद है, 7 रेड है यानी कि लाल है, 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक है और 2 क्या है नीली, यानी कि 7 × 2 = 9, 5 × 4 = 9, टोटल संख्या क्या होगी 18, यानी टोटल गेंदों की संख्या क्या होगी 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब हमसे कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से निकालेंगे क्या क्या, सफेद या नीली, अब सफेद बॉल क्या है, 5 सफेद बॉल है, तो 5 ही में से नहीं निकालेंगे, 5 में से एक बॉल निकालेंगे, इसकी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 5C1+, जब या की बात की जाए तो हम यहाँ प्लस यूज करते हैं, दिमाग में डाल दीजिए, अगर या के कहीं भी किसी भी निकालने में सफेद या लाल ब्लू जो भी जिक्र की जाए तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें। अब क्या कह रहा है, नीली, नीली गेंद कितना है 2, तो इसे किस तरीके से निकालेंगे, 2C1, और टोटल संख्या हमारे पास बॉलों की कितना है 18 है, तो 18 में से आप क्या निकालेंगे, 18 में से एक बॉल निकालेंगे, यही आपका तरीका है। हम जानते हैं कि NC1 का वैल्यू क्या होता है, N ही होता है, NC1 का वैल्यू क्या होता है, N होता है, तो 5C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और 2C1 का वैल्यू क्या 2, और 18C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 5 × 2 = 7, 7/18 संभावनाएं हो सकती हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 9 लाल, 7 सफेद और 4 काली गेंदे हैं, यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंदे निकाली जाती है, यानी इसमें से 2 गेंदे निकाली जाती है, तो इस बात की क्या संभावना है कि एक साथ 2 गेंदे लाल हो, यानी सिर्फ लाल गेंदे निकलने की प्रायिकता है। अब देखिए 9 रेड है, 7 व्हाइट है और 4 ब्लैक है, क्या है ब्लैक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें से 2 गेंदे निकालने, यानी टोटल की देखें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 7/ कुल संख्या, तो 9 × 7 = 9, 7 = 16, 4 = 20, यानी टोटल कितनी संख्या है 20 संख्या है, तो 20 में से क्या निकालना है, 2 गेंदे निकालना है, तो उसे किस प्रकार लिखते हैं 20C2, लेकिन लाल गेंद दोनों लाल गेंद हो, दोनों गेंद जो लाल है तो लाल की संख्या कितनी है 9, तो 9 में से 2 निकालना है तो क्या लिखते हैं 9C2। अब देखिए हम जानते हैं कि NC2 को हम किस तरीके से लिखते हैं, N × N−1/2, अगर NC2 हो तो उसे हम लिखते हैं N × N−1/2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 9C2 को सॉल्व करेंगे तो 9 × 8/2 / 20 × 19/2, अब ये 2 से 9 + 8 = 4 चार बार में, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, और 2 से 1 = आपके कितना बार में 10 बार में, तो ये हो जाएगा 190, टोटल कितनी संख्या हो जाएगा 36/190। अब इसे अगर हम काट दें तो अगर 2 से काटें तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 18 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 95 बार में, तो क्या हो गया 18/95 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा,
ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्ढी में से दो पत्ते निकाले गए, दो पत्ता निकाला गया, निकाले गए पत्ते में दो इक्के होंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए हमने सुबह में आपको बताया है कि ताश की गड्ढी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, 52 में 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं और इनमें से भी 13-13 अलग अलग होते हैं, ब्लैक में 13 अलग होते हैं 13 अलग होते हैं। एक तो पान का पत्ता होता है, एक रुकम होता है, एक ईंट होती है और एक क्या होती है, चिड़ी होती है, ठीक है, ये चार होते हैं। इन चारों में एक इक्के जो होते हैं उसे ए से डिनोट करते हैं, उसे एस कहते हैं, ठीक है, और यहाँ से 10 तक जाता है, फिर जे क्यून और किंग, ये एक तीन अलग पत्ते होते हैं। सेम चीज इन सभी में होता है। हमने सुबह में, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके देखेंगे, उसमें मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से बताया है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो ये सब होता है, अब इक्का इसमें भी होता है, इक्का इसमें भी होता है, एस 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 को हम इक्का बोलते हैं, यानी जो ए से डिनोट रहता है त्रास के पत्ता में उसे हम इक्का बोलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 कितना इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं, अब समझ गए होंगे आशा करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, एकदम बिल्कुल कसर ना करिए। तो 52 पत्ते के गड्ढे में से दो पत्ते निकालने हैं, देखिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल इक्के कितने होते हैं, 4, तो 4 में से दो निकालने हैं तो 4c2, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, तो 52c2। देखिए नीचे वाला में कुल शर्त बटा कुल संख्या, शर्त बटा कुल संख्या, हमने शुरू से ही बोला संभावना बटा कुल संभावना, संभावना बटा कुल संभावना, यही प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए 4c2 हमने क्या बताया है कि एन सी टू का निकालने का तरीका होता है एन इंटू एन माइनस 1/2, तो यहाँ से 4c2 को क्या लिख देंगे, 4 × 3/2, और 52c को क्या लिख देंगे, 52 × 51/2। अब ये 2 से 4 कट जाएगा दो बार में, ये क्या आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 26, यानी कि 26 × 51। अब देखिए अगर हम इसे काट दें तो 2 से कट जाएगा 2 × 3 6, 2 से कट जाएगा 13 बार में, ठीक है, 2 से कट जाएगा 13 बार में, तो क्या हो जाएगा, 3 से 51 भी कट जाएगा 17 बार में, 3 से 51 कट जाएगा 17 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 1/17 और 17 × 51 क्या हो जाएगा, 1/7, यानी कि 1/221 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता में राम के पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है, जबकि मोहन के पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है, तो दोनों को पुरस्कार जीतने की संभावना क्या होगी। देखिए राम को अगर देखा जाए तो जीतने की संभावना 1/5 है, तो ये लूज करने की संभावना कितनी होगी, यानी कि 1/5 अगर जीतने की है तो 4/5 क्या होगी, लूज होने की होगी, यानी हारने की होगी। अगर मोहन की अगर हम बात करें तो मोहन कहता है उसे जीतने की संभावना 3/4 है, तो हारने की संभावना क्या होगी, 1 होगी, 1/4 यही होगी। हमने आपसे कहा है कि जब भी किसी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर आपसे या कह दे कि राम या मोहन की जीतने की प्रायिकता अगर पूछता, राम या मोहन या करके पूछता, तो इन दोनों के जीतने की प्रायिकता को हम जोड़ देते हैं, लेकिन राम और मोहन दोनों के जीतने की प्रायिकता की जब बात की जाए तो इन दोनों के जीतने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ये याद रखिएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/5 और 3/5, तो क्या हो जाएगा, 1/5 × 3/5, यानी कि 3/20 हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर भाई लोग अच्छा लगे तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 12 लोग हैं, यदि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हैंडशेक होते हैं। देखिए एक दूसरे से जब हाथ मिलाएंगे तो टोटल कितने लोग हैं, तो 12 लोग हैं, तो 12 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 12c2 हो जाएगी। तो हमने क्या कहा, क्या कहा था कि nc2 का मान होता है n × n−1/2, ये क्या हो जाएगा, 12 × 11/2, यानी 2×6 = 12, क्या हो जाएगा, 11×6 = 66 हैंडशेक हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।